चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें, कि ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है ना। ए है जो बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दोगुना है। तो सी की आयु का कौन दोगुना है? बी दोगुना है, ना कि ए दोगुना है। तो ठीक है ना, याद रखिएगा कि जब भी हु या जो कि लिखा हो और उसके पास जो भी हो, ठीक है ना, ए हो या बी हो सी हो, तो उसकी एज की बात चल रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो कि सी की आयु का दोगुना है, तो सी की आयु का कौन दोगुना होगा? बी दोगुना होगा। चलिए तो अब लेट कर लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सी की एज अपन लेट कर लेते हैं क्या, 1 ईयर, ठीक है, और बी की एज कितनी हो जाएगी? 2x ईयर, ठीक है ना, क्योंकि सी से कितना, 2 साल, 2 टाइम्स क्या ज़्यादा है। और ए की एज कितनी हो जाएगी? 2 ईयर ओल्ड है बी से, तो 2x+2 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इनका सम दिया हुआ है तो सम कर लेते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, x+2x+2x+1=27। अब इनका सम कर लो कितना हो जाता है, तो 5x, सॉरी इधर पे 2 है, ठीक है ना, इधर पे क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 5x=27-2, तो x= कितना आ गया, 25/5। ओके, तो x= कितना आ गया, 25/5, तो x= कितना आ गया, 5 आ गया। आ गया। अब इनने पूछा क्या था, ए की आयु बतानी है, तो ए की आयु कितनी है, ए है, तो इसमें क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो ए की आयु कितनी थी, 2x, तो x की वैल्यू कितनी, 5, और प्लस 2, तो कितना हो गया, 12 ईयर, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है ना, ये आ गया क्या, आंसर। ओके, तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया है अपन ने। देखिए, तो इसमें पूछा गया था कि ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है ना, जो कि मतलब कि बी सी से कितना है, 2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो ए बी का सम दिया था, तीनों का सम दिया था, तो अपन ने ऐड कर दिया और इसके बाद इनको सॉल्व कर दिया। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, और ए की वैल्यू उनने पूछी थी, ए की कितनी साल है, तो एक अपने एक्स की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, 2x+5+2, तो आ गई आंसर 12। ओके दोस्तों।